दोस्तों, केंद्र सरकार ने ब्रिटिश व यूरोप तकनीक से देश में किफायती, मजबूत व पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की नीति पर मोहर लगा दी है। इसमें नई तकनीक, वैकल्पिक सामग्री और विदेशी कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि इस नीति से निर्माण कंपनी ठेकेदार भले ही कम लागत में सड़क परियोजना पूरी करते हैं, लेकिन सरकार को भुगतान पूरा करना होगा। सरकार ठेकेदार से परियोजनाओं में बचाए गए पैसे की मांग नहीं कर सकती। सड़क परिवहन व राज मंत्रालय ने 14 दिसंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नई वैकल्पिक सामग्री और नई तकनीक के प्रयोग करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें राजमार्ग निर्माण के इंडियन रोड कांग्रेस कोड मानक के अलावा ब्रिटिश व यूरोप कोड के प्रयोग करने की इजाजत दी गई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नई वैकल्पिक सामग्री व तकनीकी भारत में उपलब्ध नहीं है, तो निर्माण कंपनी ठेकेदार विदेशी तकनीक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को मंजूर करने का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी चीफ इंजीनियर को होगा। इसके लिए कंपनी को सड़क परिवहन मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश यूरोप तकनीक सामग्री का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा, इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि नई तकनीकी, नई वैकल्पिक सामग्री से सड़क परियोजना की लागत घटेगी, जिसका लाभ ठेकेदार को मिलेगा, क्योंकि सरकार ठेकेदार को परियोजना मंजूर करते समय तय किए गए रेट के हिसाब से भुगतान करेगी। लागत कम होने से भुगतान की राशि कम नहीं की जाएगी। हालांकि ठेकेदार का सड़क परियोजना का दोष दायित्व अवधि 10 साल का होगा, यानी इस दौर राजमार्ग में किसी प्रकार का दोष होने पर उसे मुफ्त में ठीक करना होगा। वर्तमान में ये अवधि 3 से 5 साल की है। जानकारों का कहना है कि सड़क निर्माण में रोड़ी, पत्थर, गिट्टी, ब्लास्ट, तारकुल आदि कम इस्तेमाल होने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होगा। इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। इसलिए सरकार नई वैकल्पिक क्रेमिक सामग्री पर ज़्यादा जोर दे रही है। सड़क बनाने से पहले जमीन के स्थिरीकरण में रसायन का प्रयोग, ढाल स्थिरीकरण में जूट का प्रयोग को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वेस्ट प्लास्टिक, जियो सिंथेटिक, संशोधित तारकोल, पुराने भवनों इमारतों के मलबे, कोयला, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाली लोहे, स्टील, कॉपर की स्लिंग व राख को राजमार्ग निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।